माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो चिकन माशाल्लाह में हमारी ऐड हो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, सब करत रहो, फूलों की तरह उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, घर वाले भी सब ठीक है। जो बीमार हो अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बेऔलाद अल्लाह पाक उनको नेक सलाह औलाद दे। तमाशा से सुबह शाम का भी लोग जो ना हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो रहना है हमारे साथ। तो अब जो है ना पानी वगैरह भी शायद साहब ने सारे सहन पर लगा दिया है। तो अबू जान जो है ना गए हुए सब्जी वगैरह लेने, आ जाएंगे फिर शेयर करेंगे कि क्या सब्जी ले आए हैं ठीक है पकाने के लिए। हाँ जी। तो कपड़े जो है ना हमने सुबह धो दिए थे, वो भी अब सूखे हुए हैं। तो आपने तो कुछ गीले कर दिए, वो फिर सूखेंगे, फिर जो है मैं पैकिंग करूंगी। तो माशाल्लाह से आज हम देने वाले हैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज। तो माशाल्लाह से वो सरप्राइज शेयर कर देते हैं। क्या सरप्राइज है चल के देखते हैं क्या सरप्राइज है। चलो ठीक है, आपकी अम्मी आ गई है, हम तो पहले आ गए थे, उनसे हाल हवाल पूछते हैं क्या हाल है। पहुँच गए? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। अच्छा जी सही, हमारा गला जो खुश्क हो गया जी। चल चल के अच्छा, मैंने कहा बैठने दो, अम्मी थकी हुई है, फिर हाल देगी। क्या हाल हवाल देगी। मामू कहाँ चले गए? वो सब्जी लेने गया था। अच्छा हाँ जी, सब सिस्टर के घर गई थी ना, वो हाल हवाल पूछते हैं। अच्छा हाँ, वो हाल पूछते हैं, आपको हाल देते हैं, क्योंकि हम जो घर आए थे ना। हाँ जी। तो फिर चले गए थे दूसरी बार। हाँ। क्योंकि सुबह जो है उधर गए थे और बच्चे लोग भी साथ में थे ना। हाँ। तो गर्मी थी बहुत, बहुत गर्मी थी वैसे। तो उधर बच्चे लोग किसी और से घर से जाते हैं, क्योंकि न्यू घर होता है ना, बच्चे सुकून से नहीं बैठते। हाँ जी। सोते भी नहीं, क्योंकि नई जगह होती है ना। हाँ जी। तो इसलिए जो है मैंने कहा जो घर चले, उनको घर पहुँचा के फिर वापस चले गए। ठीक है। तो वो है जहाँ अहमद भाई और उसकी वाइफ जो है वो घर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो अहमद और शर्किया वाले हैं। अच्छा अच्छा, वो समीना अहमद वाले, अल्लाहाबाद वाले। हाँ जी अल्लाहाबाद, समीना अहमद वाले। हाँ जी, वो घर जा रहे थे वापसी, घर जा रहे थे, इसलिए जो है हमने कहा उनको जो हमारे घर से जाओ, तो उन्होंने कहा जो हम घर तुम्हारे से नहीं जा सकते। अच्छा, जो हमको टाइम थोला है, क्योंकि हम जो है घर की तैयारी मुकम्मल करके नहीं आए, क्योंकि हमने कहा कल की तैयारी, बस हम जो है जाएंगे उनको मुबारकबाद दे के वापस वाले आए। हाँ जी, घर को हम ताले नहीं लगा के आए। अच्छा, तो बस घर इधर आए थे तो लेट हो गया हमको, हम घर नहीं जा पाए। तो आज जो है हम लाजमी जरूरी जाना है, क्योंकि हमारी फ्रिज भी चलती हुई थी, तो हम उसको भी बंद नहीं करके आए। अच्छा, तो इसलिए जो हम घर जाते हैं इंशाल्लाह। आप जो है हमारे घर से जरूर आना है आपको, उसने कहा था। तो हम जो ना एक मतलब दिन के दिन जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। अच्छा, वो फिर वो चले गए अभी समीना अहमद वाले। हम गए थे उधर उनको रवाना करने के लिए, तो पहले भी चले गए। अच्छा, तो वो अल्ताफ वाले, अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई वाले, वो तो आज जाना है, तो आज उसकी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि अकरम भाई जो है उनको दावत दे रहा है और मैयुद्दीन भाई भी दावत दे रहा है। तो उन्होंने कहा जो आज आप नहीं जाना घर। ठीक है। तो उनको मजबूर कर दिया है, वो आज नहीं जा पाए। ठीक है। तो इंशाल्लाह उनकी तैयारी अभी मुकम्मल हो चुकी है, वो जा रहे हैं होटल पे खाना खाने। अच्छा, कहाँ पे? कौन कौन? अकरम भाई लेके जा रहे हैं? भाई लेके जा रहा है। अच्छा हाँ जी, मैयुद्दीन भाई घर से बना रहा है। अच्छा, तो अकरम भाई जो है होटल पे ले रहा है। अच्छा हाँ जी, वो खाना खा के उधर से आ जाएंगे। तो हमने कहा जो हमारे घर से चलो, उन्होंने कहा नहीं, हम होटल पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है। तो देखेंगे टाइम होगा तो हम आएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह कल सुबह जो है हम चले जाएंगे, हमें इजाजत दे। हमने कहा हम इजाजत आपको नहीं दे सकते, हमारी दावत खा के जाओ, हमारी दावत खा के जाना, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा हम तो आए थे, अपनी दावत खाई थी। हमने कहा नहीं, वो तो आए पास 5 मिनट का टाइम हुआ, आपका नसीब हुआ हमारे घर से बस आप खाना, वो तो हम अपने लिए मंगाया था ना। हाँ जी। तो आप लोग आ गए, हम आपको खिला दिया है, क्योंकि वो जा रहे हैं, वो जब हाँ जब कराची जा रहे थे ना उस टाइम आए थे, उस टाइम आए थे, तो बस 10-15 मिनट हुए थे। हाँ जी। तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं बैठे, खाना भी नहीं खाया, गप्पा भी नहीं लगाया। तो और आप खुद भी आना है। चलो। उनने कहा नहीं, देखेंगे टाइम, जो होगा टाइम तो आएंगे, नहीं तो फिर इजाजत होगी। और आपके पास भी सलाम उनका है। अच्छा, सलाम दिया है, वालेकुम। हाँ, सलाम, वो भी मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है। और आयशा को भी सलाम दे रही हूँ, क्योंकि इसकी विशेषता जो है बताया था,
जो आयशा को जरूर सलाम देना, अक्सा को प्यार देना, तो खैर खरिया से हमारे लिए दुआ करनी है। हम भी कल जा रहे हैं ना, हमने भी अभी तैयारी करनी है, सामान वगैरह पैक करना है। हाँ जी, मैं तो सुबह जो है हमने तैयारी करनी है, फिर हमने भी घर जाना है क्योंकि घर भी पीछे अकेला है। बिल्कुल सही बात है, घर तो हर किसी ने अभी जो होना था वो तो हो गया, सारा काम जो है माशाल्लाह निपट गया। हाँ जी, और जो जिसकी उम्र वाले भी माशाल्लाह आ गए सब, जो है खरिया से पहुंच गए, खैरात भी खा ली उनकी थी ना, तो हमको जो है खुशी थी मिलने के लिए। इंशाल्लाह हम उनको खैर खरिया से ले आए हैं। हाँ जी, और वो खैर खरिया से अपने घर से आ गए हैं। हाँ जी, हाजी साहब सब, तो अल्लाह पाक उनका उम्र भी नसीब करे, उनका आना भी नसीब करे, अल्लाह पाक उनके घर में खुशियाँ दें। हाँ जी, तो इंशाल्लाह हम भी अपने घर से आ गए। हाँ जी, तो इंशाल्लाह हर किसी अपने घर से जाना होता है ना। हाँ जी, इसी बिहार की तैयारी कर रहे हैं आज, जो काफी लोग चल, आधा हमने सामान पैक कर लिया है, बाकी आधा रहता है। माशाल्लाह, ये लो वो माशाल्लाह सब्जी लेकर आ गए। क्या लिया है आज? चिकन बनवाया, आलू लिए, सब्जी वगैरह, टमाटर मिर्चे हैं, तो अदरक लहसुन हरी मिर्चे। चिकन खा खा के थक गए हम लोग, तो फिर भी चिकन लेकर खाया है। नहीं खाया आपने कब? वो कब खाया? कितना दिन हमें कराची से आए हुए? तीसरा दिन है ना। हाँ, तीसरा दिन है, चावल खाते रहे ना। हाँ, उसमें चिकन थी ना। कोई चिकन कोई हेक्का तो लुकमा आ जाता था बस। वो बोल रहे वो मिसाले वाली होती है ना, वो लड़ जाती है। तो कल जा रहे हैं इसलिए उनकी दावत बना रहे हैं, मैंने कहा जो आखिरी दिन है चलो आज चिकन बना रहे, फिर आप सब्जी खाते रहना बस। ठीक है, आज माशाल्लाह आपकी आखिरी दावत हम बना रहे हैं। ठीक है जी, हमारी चला माशाल्लाह हमारा जो सामान साहब आ गए हैं, चला इससे मिसाले वगैरह काटते हैं। हाँ जी, और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है जी, और हम जो है अभी सामान वगैरह पैक कर लें। आ जाओ, आप अपनी तैयारी जल्दी पकड़ो, हमारे घर से रवाना हो जाओ। ऐसा ना? नहीं क्यों, सुबह जाएंगे। सुबह वो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी तो नहीं जाते, कपड़े वगैरह पैक वगैरह कर रहे हैं ना, सुबह फिर जल्दी जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि सुबह इसकी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी, फिर भी ये कल का टाइम इधर गुजारेंगे। नहीं आज हम कहते हैं अपनी जल्दी तैयारी करके कल सुबह जाना, आप रवाना हो जाओ जी। और यहाँ पे हमारे कपड़े जो है धुले हुए थे, ये कपड़े जो है हम यहाँ से उतारते हैं सारे जी, तो और बैग में जो है पैक करते हैं सारे कपड़े। और आप बहन भाइयों के साथ एक सरप्राइज, ऐशा बोल रही है एक सरप्राइज है आप बहन भाइयों के लिए, वो भी दिखाते हैं क्या सरप्राइज। मुझे तो पता नहीं है, ये ऐशा को ही पता है कौन सा सरप्राइज है, मुझे पता है ना। अच्छा ठीक है, आप कल ये सूट कौन सा सूट, ये वाइट सूट पहन लो, मेरे यही सही है जो मैंने पहने हुए हैं बस। काल पहने थे ना, काल नहीं चला, तब दिल करोगे। हाँ जी, आप दादी को पास जाना है, आंटी को सलाम करना, अल्लाह हाफिज, सलाम करो, अल्लाह हाफिज, बाय आंटी, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह जी, यहाँ पे देखें सामान जो है रेडी करना स्टार्ट कर दिया है, आलू भी कट चुके हैं, प्याज कट चुके हैं, टमाटर भी कट रहे हैं, धनिया भी बन रहा है, और उसके बाद लहसुन और अदरक भी बन चुके हैं। हाँ जी, तो अभी जो है इनको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे इस घर में जो है आखिरी दावत है आज, लास्ट खाना। हाँ जी, तो अभी मुर्गी जो है रखी हुई है, ये मिसाले वगैरह कट जाए, उसके बाद जो है इनको धोते हैं, और उसमें उसके बाद जो है किचन में चलते हैं और इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राई करके बनाएंगे आज। अच्छा, हाँ, जैसे अच्छा लगे वैसे बनाना। हाँ, ऐसे नहीं करना जैसे वो सबा सिस्टर की मासी ने किया। मासी ने क्या किया? कच्चे चावल बनाए। अच्छा, नहीं नहीं, वो वैसे तो अच्छे बना रहे क्योंकि जल्दी दाम उतार दिया। अच्छा, तो 5 मिनट हड्डी कच्ची थी। हाँ, तो उसने कहा दाम आएगा ये बन जाएगी, तो दाम जो है जल्दी पक लिया है, तो दाम उतार दिया इसीलिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखे बैग जो है हमारा पैक हो चुका है, कपड़े सारे डाल दिए इसमें। जी, कुछ रहते हैं वो शॉपर में डाले। अच्छा, क्यों कपड़े ज्यादा हो गए क्या? हाँ,
तो माशाल्लाह जी ये देखें बैग जो है हमारा पैक हो गया है सारा, तो सारे कपड़े डाल दिए, कुछ और हैं शॉपर में डालने के लिए? कुछ है वो शॉपर में डालने के। अच्छा सही है, ये फुल हो गया बिल्कुल जी, क्योंकि वो जाए नमाज है जो उसे खरीद में भी मेरा है जाना, आपको कुछ पहनने वाले भी हैं। अच्छा वो मदीद जाते हैं इसलिए सूख जाते हैं। अच्छा बैग फिर फटा दिया आपने, वैसे भी जजीरिया इसकी तोड़ दी। हाँ, ये देखो सारा फटा हुआ। चलो इसको अंदर रखो, फिर जो है खाना वगैरह बनाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे आज लास्ट खाना है। हाँ। उसके बाद जो है हम सुबह 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाए। हाँ जी, और यहाँ पे देखे मामी जान जो है फुल मंजाई कर रही है इसकी घी वाले डब्बे की, क्योंकि ये थोड़ा खराब हो गया था। हाँ जी, वो रखा ना चूल्हे पे। हाँ जी, तो पानी लगाया था ना ऊपर जो है मिट्टी वगैरह चढ़ गई है, तो शक्ल भी नहीं देख पाती देखने की हुई, इसलिए जो मैंने कहा इसको भी। हाँ जी, धवरे बोला भी लेकर आई है, उसको भी अच्छे तरीके से धो लेते हैं। हाँ, और उसको भी धो लेते हैं। कैसा नजर आ गया? पता लगता है जो अभी घी का डब्बा है। हाँ, अभी तो न्यू हो गया ना, न्यू हो गया, सफाई निस्म ईमान है। हाँ, अभी जो धमरी मोले को धोता है। हाँ जी, अच्छे तरीके से धो के बाद में जो है लोफर वगैरह भी कूटना है। हाँ जी, और जो है आग भी जलानी है। ठीक है जी, तो खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो मशन से मिसाले वगैरह काट लिया है जो है ना, किचन में जो है ना सामान वगैरह भी मैंने रेडी कर लिया। मैंने सोचा पहले जो है ना किचन धो लूँ, किचन ही चिकन धो लूँ अच्छे तरीके से, फिर जो है ना इसको फ्राई करूँगी, बाद में जो काम होगा इनसे रखें करती रहूँगी। हाँ जी, धो धो के यहाँ पे जो है रख रही है, ये देखिए टोकरी में डाल दूंगी। अच्छा, तो माशा जी यहाँ पे देखे मामी ने जो है सामान जो है कुछ रेडी करके आग को जो है जला दिया है। जब तक आग जलती है फिर चिकन वगैरह धुल के आ जाएगा, उसके बाद जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखे हल्की फुल्की जो है आग लग चुकी है शापरों को, ये देखे, और उसके बाद जो है पतीला आ गया है। मिसाले वगैरह अभी नहीं लिया है, वो लेने जा रही है क्योंकि मैंने कहा जो जल्दी से आग जला दूं, क्योंकि मोटी लकड़ी है ना तो आग नहीं जलती। हाँ जी, तो जब आग जलेगी मैं जो है सब वो बर्तन वगैरह भी इकट्ठे कर लूं और जो मिसाले वगैरह है वो भी इकट्ठे कर लूं। ठीक है जी, आग अच्छी खासी जल जाएगी और मैं भी सारा काम समेट के बैठ जाऊँ। हाँ जी, हमने आज जो है ये देखे सारा जो है पानी लगा दिया इस पे, अभी पानी लगाया, झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि पानी जो है पहले लगाया था तो बहुत सारा पानी खड़ा था, इसलिए मैंने कहा जो मैं सालन बना लूं बाद में जाए, क्योंकि ये रेत वाली जगह है ना। हाँ जी, तो ये जल्दी रेत उभर आ जाती है। हाँ, उभर आ जाती। एक दिन नहीं लगाए, दूसरे दिन लगाए तो फिर जो है ऐसे रेत होती है सारी, रेत होती है। रोजाना लगाए तो ये फिर जैसे जैसे चिपका हुआ है ना वैसे चिपका रहेगा। आग खत्म हो गई है ना। हाँ, वो गीले छापर आपने लगा दिए। हाँ, वो पानी उभर आ गया है। आग में पानी आ गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको। बस यही अजाब होता है, शहर में बैठो, शहर में बैठो, शहर के अजाब देखें, आग भी नहीं जलती। वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढ के तो मतलब वो हो जाता था। हाँ, क्योंकि लकड़ियाँ भी होती थी उधर, खज्जी के पत्थर भी होते थे और काख भी होते थे, गाय वाले वो भी होती थी, गोबर। हाँ, जो गाय वाले जो बूहे बनाते हैं ना हम सराइकी में। हाँ, वो भी होते थे। हाँ जी, इधर तो सिर्फ लकड़ी भी जलती है और इसके साथ जो है ना बस शापर ढूंढने पड़ते हैं आग जलाने के। हाँ जी, बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, और शुरुआत तो है। हाँ, बाकी सहूलतें सारी हैं। हाँ जी, बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं जी, बस वो छोटी उनके भी, बाकी जो बच्चे हुए हैं 2-3 उनके भी बेफारम जल्दी बनवाए। हाँ जी, और उनको भी स्कूल भेजे, सब बच्चों को पढ़ाए, सब बच्चे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हाँ जी, हम बस इसलिए आए हैं ना। हाँ, बच्चे पढ़ जाए बस। हाँ, हमारा ये भी मिशन था, हमने कहा जो बच्चे पढ़ लें क्योंकि हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई है ना। हाँ, बच्चों की जिंदगी जो अच्छी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, और यहाँ पे देखें जी हरी मिर्चें और टमाटर, अदरक, लहसुन, हरा धनिया और प्याज भी कट के आ चुके हैं। हाँ जी, बस आग जल जाए उसके बाद जो है ये पतीला रखा हुआ है इसके ऊपर भी चढ़ाते हैं और चिकन जो है रेडी करते हैं इंशाल्लाह। हमारे सबसे यह है हमारा गिफ्ट जो है ना, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला था, तो ये जो है ना सिस्टम में भेजा, ये देखे नाम भी अभी लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ जी, ये लिखा हुआ है सिस्टम ऐसा। हाँ जी, ये जो है ना ये बाहर से आया है। हाँ जी, तो मोहियुद्दीन भाई के पास आया था जी, तो मोहियुद्दीन भाई ने हमें बुला के जो है हम 4 माह हो गए, 4 महीने के बाद पहुँचे है ये। अब पहुँचा है
तो जितने भी यूट्यूबर थे इसके मोहिउद्दीन भाई के और बहने थी, सिस्टर थी, मतलब बहुत मतलब लोगों के जो है कपड़े है, सबका जो है एक एक सूट था। हाँ जी, तो उसने उसने जो है तकसीम कर दिया था, तो हमने बोला कि हम भी बहन भाइयों के साथ शेयर कर। हाँ जी, कि कैसा कलर है, कैसा सूट है। ये जैसा पहना हुआ है बिल्कुल वैसा लग रहा है मुझे तो, ऐसे थोड़ा सा फर्क है क्योंकि ये सफेद है, इसकी शरारत का ब्लैक है। हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क लगता है ना। हाँ जी, ये है हमारा माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। कैसे ये गला बना हुआ है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये गला है। हाँ जी, ये गला बना हुआ है। अच्छा, चलो खुद बनाने वाली हो, जैसे अच्छा लगे वैसे बना लेना आप। हाँ, ये यहाँ से जो है ना, ये गला। हाँ जी, ऐसे बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सूट है, अच्छा लग रहा है। सिलाई करोगी, पहनोगी, वीडियो बनाओगी, फिर पता चलेगा कैसा लग रहा है। हाँ जी, ये है कमीज। अच्छा, और उसके बाद ये है उसका दुपट्टा। अच्छा, दुपट्टा भी प्यारे। वाह जी वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद और ब्लैक ब्लैक शलवार है। हाँ जी, सही है, बहुत प्यारा सूट है। और कार्डन भी बहुत अच्छी है, मुझे लगता है ये कोई और कपड़ा लग रहा है। कैसे? जैसे इसमें जो ना सिल्की मिक्स है। हाँ जी, अच्छे वाला है। हाँ, अच्छे दिन चलेगा। तो माशा जी, यहाँ पे देखें, लाल मिर्ची, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है डाल दिया गया है। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं, उसके बाद जो है इसमें करेंगे चिकन ऐड। हाँ जी, और उसके बाद और भी चीजें हैं ना, रिश्तेदार भी साथ में हैं। बोलना जाए रिश्तेदार को। हाँ, रिश्तेदार तो साथ ही होते हैं। हाँ, कहाँ जाते हैं वो। माशाल्लाह, मिसाल हमारा जो है रोन हो चुके हैं, तो अभी जो है मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। तो चिकन माशाल्लाह में हमारी ऐड हो चुकी है, तो अभी जो है इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करते हैं। ब्राउन करने के बाद में जो है रिश्तेदार डालेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका है, और अभी जो है मामी बना रही है रोटी। तो यहाँ पे हो गया है अंधेरा जी। तो अभी हम यहाँ पे अपनी वीडियो का करते हैं एंड, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।